अब अपने घर में लगे बड़े से बड़े सिलाई मशीन को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि ये कॉर्डलेस सिलाई मशीन आपका वो हर एक काम कर देगा जो एक बड़ा सिलाई मशीन काम करता है। तो क्या ये सिलाई मशीन आपके लिए सही में यूजफुल है या फिर नहीं, चलिए इसी चीज को मैं टेस्ट करके आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। और आपको ये वीडियो देख के अंदाजा लग जाएगा कि इन सब चीजों के ऊपर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करते हैं और इस बॉक्स के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एयर बबल प्लास्टिक के मदद से इसको रखा गया है, क्योंकि ये टूट फूट ना जाए, काफ़ी दूर से आता है डिस्पैच में। तो इस तरीके का कुछ दिखता है हमारा हैंड सिलाई मशीन, जो कि अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। फिलहाल इसको करते हैं अभी साइड और यहाँ पर देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है और आप जैसे कि इसको देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे इस हैंड सिलाई मशीन को यूज़ करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ की टूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं खोल के एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे दो धागे दिए हुए हैं और एक ये इसको धागे को लपेटने वाला दिया होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये। और एक ये है जो कि आपको एक सुई मिला है एक्स्ट्रा, जो अभी इसके अंदर एक लगा हुआ है यहाँ पर, और एक एक्स्ट्रा सुई है और एक ये धागा को पास करने के लिए दिया है। जैसे देखते होंगे आपको ऐसे करके उसमें धागा को पास करेंगे। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, ये चीज़ आपको काम आएगा बाद में, तो आप इसको अच्छे से संभाल के रखिएगा। और अभी मैं इसको करता हूँ साइड और ये यूज़र मैनुअल को भी करता हूँ साइड। और अब बात करते हैं इस मशीन की। इस मशीन का जो मटेरियल है वो प्लास्टिक मटेरियल है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल है और यहाँ पर ये जो है वो स्टील यूज़ हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसको सेटअप कर लेता हूँ और इसको मैं अभी आपको चला करके दिखाता हूँ और कुछ फटे कपड़े जो रहते हैं वो मैं सिल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इसका पूरा अच्छे तरीके से सेटअप कर लिया है, धागा वगैरह इसमें पास कर लिया है। आप भी उस मैनुअल के मदद से देख करके पढ़ करके इसको आप इसमें धागा लगा लीजिएगा। और हाँ, इस चीज़ को यूज करने से पहले आपको चार्ज सेल लगेंगे, यानी कि बैटरी जो कि इसके पीछे साइड लगता है तभी ये वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर इसमें चारों पॉजिटिव नेगेटिव करके इसमें डाल देता हूँ फटाफट और उसके बाद ये चालू हो जाएगा। तो मैंने अभी इसके अंदर बैटरी डाल दिया है और अब मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा। यहाँ पर जैसे कि एक बटन दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप ऐसे करेंगे आगे तो भी चलेगा और इसको अगर प्रेस करते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा का कपड़ा है और यहाँ पर फटा हुआ है ये। तो अभी इस मशीन की मदद से मैं इसको सिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या ये सही में वर्क करता है या फिर नहीं। तो कुछ इस तरीके से पहले इसको उठा लेंगे हाथ से और इसको यहाँ पर प्रेस कर देंगे और अच्छी तरीके से उसको दबाएंगे तो ये चलने लगेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मशीन सिलना चालू कर दी है, यहाँ पर जो कपड़ा था बच्चा का वो काफ़ी अच्छी तरीके से सिल ले रही है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको सिला तो कुछ इस टाइप का सिला है, मतलब कि देख रहे हैं कि नहीं सिला कुछ भी नहीं। और मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ इसको सिलने का या फिर मैं किसी और कपड़े में ट्राई करता हूँ सिलने का कि ये सिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि इस बच्चे वाले टी शर्ट को तो इस मशीन ने ठीक से नहीं सिल पाया। तो अब मैं इसको करता हूँ इस बच्चे वाले कपड़े को साइड और फिलहाल कोई नॉर्मल कपड़ा मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि वो बच्चे वाले कपड़े ने नहीं सिल पाया, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस नॉर्मल कपड़ा जो मेरा तौलिया है इसको मैं सिल के देखता हूँ। ये काफ़ी पतला कपड़ा है, शायद वो मोटा कपड़ा था इसके कारण वो नहीं सिल पा रहा था ये मशीन। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ कि ये इस पतले कपड़े को मैं इससे सिलता हूँ। तो इस तरह कुछ उठा करके इस पर डाल देंगे इसको हम और बढ़िया से टाइट कर लेंगे और दूसरे हाथ से दूसरे साइड से इसको थोड़ा सा ऐसे करके किसी का हेल्प ले लीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट रहेगा तो ये चलने में आसानी होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये भी अच्छे से सिल दे रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट हमको बाद में पता चलेगा ये कि कितना इसका आउटपुट सही है और कितना गलत है, क्योंकि ये सिल तो देता है लेकिन बहुत सारा उसमें गैप हो जाता है। तो इसको हम लोग सिलने देते हैं और अभी देखते हैं कि ये कितना सटीक सिल पा रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस मशीन ने इस तौलिया को कुछ इस प्रकार का सिल दिया है। मैं आपको अगर उसको खोल के दिखाऊं उल्टे साइड से कैसे सिला है, तो कुछ इस प्रकार का इसने सिल दिया है। शायद वो मोटा कपड़ा था इसलिए नहीं सिल पा रहा था वो, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा ये गैप ले लेके सिलता है। तो अभी हम इसको ना स्ट्रैच करके खींच करके देखेंगे पूरे को कि क्या ये सही में निकलता है या फिर नहीं निकलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत तो निकल जा रहा है, लेकिन ये अगर आप माने तो ये 50-50 का चांस लग रहा है ये सिलाई मशीन, क्योंकि इसको ज़्यादा कस के स्ट्रैच करने
से जिस तरह हम लोग बड़ाई सिलाई मशीन से सिल के उसको खींचते हैं स्ट्रेच करते हो तो नहीं निकलता, लेकिन इस पर आसानी से निकल जा रहा है। और हाँ, अगर आप इसको दूसरे साइड से करेंगे तो वो आराम से निकल जा रहा है। तो ये काम का चीज़ नहीं है आपके लिए फिलहाल। तो ये मशीन काम का नहीं है उतना जितना आप देखे होंगे वीडियो में या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे जहाँ पे भी देखे होंगे इस मशीन को, तो ये उतना काम नहीं करता जितना ये दिखाया गया, क्योंकि सील तो लेता है ये, लेकिन ये बाद में उसको ठीक से नहीं कर पाता, इसको खींचने पर वो धागा निकल जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये सिलाई मशीन कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। ये चीज़ों को सील तो बहुत अच्छे तरीके से लेता है, लेकिन उस पर जो धागा रहता है वो अटक के नहीं रहता है, मतलब उसको अगर आप थोड़ा सा भी खींचोगे तो वो निकल जाएगा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।